योग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। अपनात्मा परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष जप कीन इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जो भक्त कुछ दिन इस भक्ति को करके किसी भी कारण से दुर्भाग्य उनका होता है वो विमुख हो जाते हैं, वो भक्ति यहाँ से यहाँ आना छोड़ देते हैं, गुरुजी से उसका अपना संपर्क समाप्त कर लेते हैं। और वो कुछ एक ऐसे नालायक थे, अनजान अनाड़ी थे, वो कहने लगे कि हम तो घर पर भक्ति कर लेंगे। पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के अर्थे लाख वर्ष जप कीन इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, ना तो कोई कर्म कटे और ना ही मुक्ति होए, फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं हमें यहाँ से 21 ब्रह्मांड काल के और सात संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, इनको पार करके जाना है। और इन जब यहाँ से भक्ति युक्त प्राणी चलता है, यदि उसके साथ सतगुरु नहीं है वो नहीं जा सकता 10 कदम भी। रास्ते में पता नहीं कितने कितने बखेड़े हैं, ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हमने उन्हीं रास्तों से जाना होता है, जैसे हम शरीर में ही हमारे कमल बने हुए हैं, इन कमलों में से हम चलेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का लोक आवेगा और गणेश जी के लोक में हम जाएंगे, गुरु जी साथ होंगे तो वहाँ आपका अकाउंट क्लियर करा के आपको फिर आगे ले चलेंगे। और यदि सतगुरु साथ नहीं है और आपकी पिछली पुण्य कमाई पिछली है और आप गुरुद्रोही बने नहीं, वैसे भक्ति छोड़ दी, आना बंद कर दिया, तो वो जो पिछले उस दौरान गुरुजी के संपर्क में रहने के दौरान जो तुमने भक्ति की, ये 7 मंत्र की या 2 मंत्र सतनाम की और सारनाम की, तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है उन 7 प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे और वहाँ पर इतने नाच गाने डांस बड़ी पता नहीं कितने हर तरह की, यानी आत्मा वहाँ जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहाँ हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना तो भूल जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं और फिर वहाँ उनको गण बना दिया जाता है, उन्हीं की पुण्य कमाई से वहाँ वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस कोई काम में कोई ना, जैसे रेस्टोरेंट में चले गए वहाँ अपनी पूंजी खर्च होती है, वहाँ कुछ भी बकवाद देखो और खाओ सुनो, तो वो पूंजी नष्ट होते ही वहाँ से बाहर निकाल देंगे फिर विष्णु के लोक में। विष्णु जी के लोक में जो आपने मंत्र जाप कर रखा है उसकी कमाई समाप्त होती है, फिर शिव के लोक में, वो कमाई खत्म होते ही फिर दुर्गा के लोक में, फिर दुआ वो कमाई खत्म होते ही फिर आपका जो सतनाम का प्रथम और द्वितीय मंत्र है, प्रथम मंत्र जो ओम नाम है वो ब्रह्म का फिर ब्रह्म लोक में, और दूसरा जो तत्व मंत्र है उसके लिए इस काल ने इस एक अपने एक ब्रह्मांड में इस ब्रह्म लोक में ही अलग से नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक नामी लोक की रचना रच रखी है। उस दूसरे मंत्र की जो सतनाम के अंदर जो 2 मंत्र हैं उसकी कमाई से उसको ऊपर नकली सतलोक में छोड़ देते हैं, और जिसने तीसरे नाम का भी जाप कर रखा है उसके लिए काल ने वो आगे के अलख लोक रगम लोक और बना रखे हैं नकली, उनमें पड़ा रहे, और जब इसका कत्ति सारा नाश हो ले भक्ति का फिर नरक में ठोक देते हैं। यानी इस प्रोसीजर में हजारों युग बीत जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता त्रिगेला के विरान माटी हो रही है। तो सतगुरु कहते हैं
शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब कई पुण्यात्मा को ज्ञान तो खूब सुन लिया, और कोई दुर्भाग्यवश यहाँ से दूर भी हो गए तो वो फिर इससे या तो शिव मंडल में, शिव के लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या विष्णु के लोक में जा रहा है, फिर वहाँ कमाई वह मौज मार रहा है, तो उसके हृदय में यो ज्ञान अंतःकरण में समाया हुआ है, तो उसको याद आएगा कि गुरु जी तन्यु क्या करते, कबीर परमात्मा के ज्ञान को बताते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी नष्ट हो रही है, हम तो गलत आ गए, हमने तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहता वहाँ भी तू हृदय से रोएगा ना मेरे लिए कि भगवान मैंने छुटा लो, कहते वहाँ से भी तुझे छुड़ा लाऊंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सु अवसर आपके लिए, जैसमें पारते हो गए तो हो गए, नहीं यू किया हुआ कर्म शुभ तुम्हारे साथ रहेगा, फिर उसका फायदा क्या होगा, के बनेगी। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण बोल नहीं थे, वहाँ भी आण छुटाऊं तो ही। मान ले आप चले गए गुरु जी से, यहाँ से विमुख हो गए, और आप चले गए विष्णु जी के लोक में, और वहाँ आपका याद आ गई, ओहो रही हम तो गलत आ गए भगवान, या तो बहुत गलत आ गया, हमारी पूंजी नाश होगी। वहाँ भी आप रोने लग गए तो वो मालिक परमेश्वर आएंगे, और वहाँ से भी आपको ले जा करके कहाँ रखेंगे, यहाँ एक मिनी सतलोक है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक है, परमात्मा का अपना राजदूत भवन है, जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमेश्वर का एक स्थान है। तो उन आत्माओं को जिनकी पूंजी व्यर्थ ना होने दी, जिन याद आएगी उनको वहाँ से लेकर वहाँ रख देंगे अपने मिनी सतलोक में और बीज रूप में, और वहाँ परमात्मा के लोक में मिनी सतलोक में परमेश्वर की तरफ से सब आपको सुविधाएं आहार मिलेंगे, उससे आपकी पूंजी नष्ट नहीं होगी, उस वापस फिर उस पूंजी के आधार से आपको फिर पटकेगा परमात्मा सतयुग में। सतयुग में आप हजारों लाखों वर्ष तक जियोगे, लेकिन साधना गलत करोगे, क्योंकि आप नीचे आने के बाद भगवान की गति नहीं मानते, और जैसा भी काल ने भ्रमित कर रखा है वही साधना पर लगे रहोगे, लेकिन वो सुविधाएं वो सुख आपको होंगे पूर्व जन्म की कमाई से, भक्ति से। और आप सोच रहे होगे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, ये साधना कर रहा हूँ, मुझे इसी से सुख है। इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में आप अपने पुण्यों का नाश कर लोगे, कभी राजा बनोगे, कभी पृथ्वीपति बनोगे, कभी स्वर्ग में जाओगे, और फिर आप कलयुग में होगे, और कलयुग में आपका मानव जन्म होगा, फिर यही प्रोसीजर फिर होगा, आपको फिर कभी आकर के हजारों लाखों युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। जो परमात्मा की शरण में नहीं रह पाए, अभी आपको बताया दो प्रकार भक्ति नाश होता है, एक तो परमात्मा से विमुख हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रों की कमाई ऊपर ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा लोक, ब्रह्म लोक और अलख लोक, अगम लोक में नकली में समाप्त कर दी, उसने तो कई लाख युगों के बाद फिर मनुष्य जीवन यहाँ पर छिपा होगा, और फिर सतयुग त्रेता द्वापर में जो शेष कमाई है वह खोएगा, फिर कलयुग में ही किसी कलयुग में दाव लगे तो लगे इस समय जन्म होने का। एक दूसरा वो होगा जो परमात्मा याद आ गया विष्णु लोक में जाकर, उसको परमात्मा ले गए छुड़ा कर अपने रख लिया मिनी सतलोक में, और वहाँ से फिर पटक दिया, तो वो भी सतयुग से जन्म लेता हुआ बीच में राजा चक्रवर्ती राजा पता नहीं के के बन के अपने पुनों को बहुत को नष्ट फिर भी कर लेगा, और फिर कलयुग में इसी समय पिछली पीढ़ी में ही दाव लगेगा, लगे तो लगे ना भी लगे। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन इंद्री कर्मना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जब ये प्राणी यहां से चलता है आगे नरी अप्सराएं नाच रही होती हैं, या युवा देवता होते हैं दोनों तरफ के मेल फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है, और सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की वो फिर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है,
और काल के जाल में फंस जाता है।